ट्रेलर रिलीज होने के बाद माना जा रहा था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विक्रम बेधा फिल्म तमाम कंट्रोवर्सी के बीच कितनी चली, क्या इसकी पोजीशन रही, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका क्या रहा। दरअसल देखा जाए तो इस फिल्म की कंट्रोवर्सी इस फिल्म के विलेन कैरेक्टर के नाम की वजह से शुरू हुई। ये कंट्रोवर्सी इतनी महंगी पड़ी कि मेकर्स को 175 करोड़ की बजट में बनी फिल्म महज 60 करोड़ भी नहीं। पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो महज 11 करोड़, दूसरे दिन के कलेक्शन 12 करोड़, तीसरे दिन का 13 करोड़। तमाम कोशिशों के बाद इस फिल्म की कलेक्शन में इतनी गिरावट आई कि महज 5 करोड़ और 3 करोड़ पर सिमट, और ये 175 करोड़ की बनी फिल्म 60 करोड़ पर सिमट गई और फ्लॉप साबित। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता का किरदार निभाने वाले ऋतिक रोशन और सैफ अली खान अभी इस फिल्म के फ्लॉप साबित होने पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। फिल्मों पर कंट्रोवर्सी शुरू से ही महंगी साबित होती आई है। ये हालिया आमिर खान की रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्डा पर देखने को भी मिली थी।